आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इकोसिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट, डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डिकम्पोजिशन साइकिल होती क्या है? सबसे पहले तो साइकिल है, यानी कि कंटिन्यूसली यूसेज ऑफ रिसोर्सेज है। डिकम्पोज कैसे होती है चीजें, फिगर के थ्रू आपके एनसीईआरटी में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ट्री होता है, कहाँ ग्रो करता है, ये होती है आपकी सॉइल। जितनी अच्छी सॉइल होगी, जितनी ऑर्गेनिक रिच सॉइल होगी, ह्यूमंस जैसे कहते हैं उस टाइप की सॉइल होगी, उतनी ज्यादा अच्छी जो हमारा ट्री है या इवन जो हमारी क्रॉप है वो होगी। अब ट्री से मान लीजिए एक पत्ती गिरती है, ठीक है, पत्ती गिरी नीचे, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हो रही है। इस पत्ती को कौन खाएगा? अगर वो कोई क्रॉप वगैरह है तो हम भी कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ जो इंसेक्ट्स हैं वो भी इस पत्ती को खाते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट हुई वो आपकी फूड वेब में, फूड साइकिल में चली गई। एक तरीके से हम लोग अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि पेड़ की अगर बात करें, एप्पल है, अगर हम पत्ती का एग्जांपल डालें, एप्पल हमने खाया, एनर्जी कहाँ आई? हमारे अंदर। अगेन वो एनर्जी ट्रांसफर रूल के हिसाब से पूरे फूड वेब में चली गई। तो ये जो एनर्जी है ये कंज्यूम हो गई फूड वेब में, वही वो कन्वर्ट होके नीचे की तरफ आएगी। कहाँ आएगी ये हम अभी देखेंगे। उससे पहले इंसेक्ट ने खाई, बच गया, तो वो चीज आती है आपकी फंगाई प्लस बैक्टीरिया के पास। डिकम्पोजिशन मास्टर्स कहा जाता है फंगाई और बैक्टीरिया को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिकम्पोज करते हैं चीजें। आपने देखा होगा कि जब भी कूड़ा इकट्ठा होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे वो चीज सड़ने लगती है, यानी कि डिकम्पोज होने लगती है। वही डिकम्पोज जब हो रही होती है चीज, तो इसमें भी कई ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देखे जाते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें भी। फर्दर ये आपकी जाके मिलती है ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनाती है। हम कहते हैं ना कि जब भी हम लोग प्लांट्स उगाते हैं तो उसको मैन्योर देना चाहिए, फर्टिलाइजर्स देना चाहिए, क्योंकि सॉइल में कमी होती है। वही चीज है, जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इस टाइप के आपकी सॉइल में होंगे उतना अच्छा आपका प्लांट ग्रो करेगा। अगर फिर भी कुछ बच जाता है यहाँ पे कुछ पार्ट, तो वहां पे हमारे काम आते हैं अर्थवर्म्स, जिनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ये अर्थवर्म ही ऑर्गेनिक रिच सॉइल में फर्दर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी साइकिल है वो अगेन यहाँ से ऑर्गेनिक रिच सॉइल से फिर आपकी लौट आती है पेड़ के पास। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है आपका, पौधा जो है आपका, वो आपका सॉइल में ही होगा। तो इस तरीके से एक सिंपल सी साइकिल है, एक बार रिवाइज करेंगे। आपका पेड़, आपकी क्रॉप जो भी है, ग्रेन भी है अगर, तो वो सॉइल में होगी। सॉइल से जो हमारा पेड़ है या पौधा है उसे जो भी हमें मटेरियल मिलेगा, लीव्स मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेंगे, बार्क मिलेगा, वो किसी ना किसी तरीके से थ्रू इंसेक्ट्स या फिर थ्रू ह्यूमन बीइंग्स या फिर थ्रू एनिमल्स किसी ना किसी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फूड वेब में जाएगा, वहां से कन्वर्ट होके आएगा आपके ऑर्गेनिक रिच सॉइल में, जिसको आपकी बुक में ह्यूमंस कहा गया है। ब्लैक सॉइल होती है, फर्टाइल होती है, ऑर्गेनिक रिच होती है, इसलिए पेड़ पौधों के लिए रिकमेंडेड होती है। इंसेक्ट से बच के आपके फंगाई और बैक्टीरिया के पास आया, फंगाई बैक्टीरिया उसको फर्दर डिकम्पोज करते हैं, फर्दर उसको छोटी छोटी बिट्स में तोड़ते हैं। डिकम्पोज करना एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को छोटी छोटी चीजों में तोड़ना, ये काम किसका है? फंगाई और बैक्टीरिया का। वहां से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होके कहाँ आते हैं? आपकी सॉइल में। यहां से भी अगर कुछ बच जाता है मटीरियल तो वो काम कौन करता है? अर्थवर्म, माइट्स, ये इस तरीके की जो एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फर्दर आपका बाकी का डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है सॉइल में,
अगेन वो सॉइल यूज होती है ट्री के लिए. तो इस तरीके से ये टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड के इकोसिस्टम की डिकम्पोजिशन साइकिल है. इजी है, रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाके आपका एंड होगा. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. इसी डायग्राम को देख के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि कौन आपकी इंसेक्ट्स के बाद डिकम्पोजिशन का काम करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ रिलीज होते हैं. तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट इजी होता जा रहा है. क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा. इनकेस तभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है हमारे साथ डिस्कस करिए, कॉमेंट्स में लिखिए हमारे साथ. डिस्क्रिप्शन में दूसरे मैंने लिंक्स दिए हैं फेसबुक का, ट्विटर का, वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं. और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, कुछ और समझेंगे बायोलॉजी के बारे में. तब तक कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर.